तो दोस्तों मूवी बेदा, मूवी खेल खेल में एंड मूवी स्त्री 2, ये तीनों ही बॉलीवुड की मूवी 15 अगस्त को रिलीज हुआ है और आज ये तीनों ही मूवी रिलीज के पूरे 3 दिन कंप्लीट हुआ है। और इस वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे इन तीनों ही मूवी ने इन 3 दिनों में टोटली वर्ल्ड वाइडली कितने करोड़ का कलेक्शन कर लिया है। आपसे उम्मीद है कि इस वीडियो को आप एंड तक देखते रहिएगा। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले अगर हम बात करें मूवी स्त्री 2 के बारे में, तो दोस्तों स्त्री 2 ने हिस्टोरिकल कलेक्शन करने लगा है। श्रद्धा कपूर ऑन फायर ऑन बॉक्स ऑफिस। हाँ दोस्तों, कलेक्शन को बताने से पहले आपको याद दिलाना चाहेंगे इस मूवी के बजट के बारे में। तो दोस्तों इन दिनों हम इस मूवी के बजट 60 करोड़ बताए थे, लेकिन इस मूवी के एक्चुअल बजट है पूरे 50 करोड़। बात करें दोस्तों स्त्री 2 मूवी के कलेक्शन के बारे में, तो दोस्तों मूवी ने अपने 14 अगस्त को पेड प्रीव्यूज के दौरान पूरे 9,40,00,000 का कलेक्शन कर लिया था और मूवी ने अपने रिलीज के पहले दिन यानी 15 अगस्त को पूरे 55,40,00,000 का नेट कलेक्शन कर लिया था। और मूवी ने अपने दूसरे दिन पे यानी कल इस मूवी ने पूरे 35,30,00,000 का नेट कलेक्शन कर लिया था। दोस्तों बात करें दोस्तों मूवी के तीसरे दिन यानी आज की कलेक्शन की, तो दोस्तों आज है सैटरडे यानी हाफ हॉलीडे और इसलिए आज इस मूवी के कलेक्शन एक बार फिर से बहुत ज्यादा ग्रोथ देखने को मिलता है। और रिपोर्ट के जानकारी के मुताबिक मूवी स्त्री 2 अपने रिलीज के तीसरे दिन पे यानी आज जो नेट कलेक्शन करने लगा है पूरे 40 करोड़ रुपए। और इसी के साथ दोस्तों मूवी स्त्री 2 के 3 दिनों का टोटल नेट कलेक्शन होते हैं इंडिया पे पूरे 140,10,00,000 रुपए, जबकि दोस्तों इन 3 दिनों का टोटल इंडिया पे डोमेस्टिक ग्रॉस कलेक्शन हुआ है पूरे 170 करोड़ यानी 170 करोड़। और इन 3 दिनों में टोटल कलेक्शन आया है ओवरसीज यानी दोस्तों इंडिया के बाहर से पूरे 24 करोड़ का। यानी दोस्तों श्रद्धा कपूर स्टार मूवी स्त्री 2 ने अपने इन शुरुआती 3 दिनों में टोटली जो वर्ल्ड वाइडली ग्रॉस कलेक्शन कर लिया है पूरे 193 करोड़ यानी 194 करोड़ रुपए। जी हाँ दोस्तों, यही है मूवी स्त्री 2 के 3 दिनों का टोटल वर्ल्ड वाइड कलेक्शन जो कि हो चुका है पूरे 193 करोड़ रुपए और मूवी हो चुका है 3 दिनों में ही ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर मूवी। यहाँ पे बात करें दोस्तों जॉन अब्राहम स्टार मूवी बेदा के कलेक्शन के बारे में, तो दोस्तों बेदा मूवी के टोटल बजट थे पूरे 50 करोड़। कलेक्शन की अगर बात करें तो दोस्तों मूवी बेदा ने अपने रिलीज के पहले दिन इंडिया पे नेट कलेक्शन कर लिया था पूरे 6,75,00,000 रुपए। अपने दूसरे दिन पे नेट कलेक्शन कर लिया था पूरे 1,90,00,000 रुपए। बात करें दोस्तों मूवी के तीसरे दिन यानी दोस्तों आज की कलेक्शन की, तो दोस्तों आज है शनिवार यानी सैटरडे है, हाफ हॉलीडे है, तो इसलिए कलेक्शन में हल्का सा ग्रोथ देखने को मिलने लगे हैं। और मूवी बेदा अपने तीसरे दिन पे यानी आज जो नेट कलेक्शन करने लगा है पूरे 2,30,00,000 रुपए। और इसके साथ दोस्तों मूवी बेदा के 3 दिनों का टोटल नेट कलेक्शन होता है पूरे 10,95,00,000 रुपए, जबकि दोस्तों 3 दिनों का टोटल इंडिया पे डोमेस्टिक ग्रॉस कलेक्शन होते हैं पूरे 14 करोड़ का। और इन 3 दिनों में टोटल कलेक्शन आया है ओवरसीज यानी इंडिया के बाहर से पूरे 2,70,00,000 रुपए। यानी दोस्तों जॉन अब्राहम स्टार मूवी बेदा ने 3 दिनों में टोटली जो वर्ल्ड वाइडली ग्रॉस कलेक्शन किया है पूरे 16,70,00,000 रुपए। जी हाँ, यही है बेदा के 3 दिनों का टोटल वर्ल्ड वाइड कलेक्शन जो कि हुआ है पूरे 16,70,00,000 रुपए। यहाँ पे बात करें दोस्तों अक्षय कुमार स्टारर मूवी खेल खेल में इस मूवी के बारे में, तो दोस्तों खेल खेल में इस मूवी के जो कलेक्शन है ऐसे भी बहुत कम है, लेकिन इस मूवी के बजट हाई है दोस्तों, बहुत मतलब 90 करोड़ बजट है इस मूवी के। कलेक्शन की अगर बात करें तो दोस्तों मूवी खेल खेल में इस मूवी ने पहले दिन इंडिया पे नेट कलेक्शन कर लिया था पूरे 5,75,00,000 रुपए और अपने दूसरे दिन पे नेट कलेक्शन कर लिया था पूरे 2,05,00,000 रुपए। बात करें दोस्तों मूवी के तीसरे दिन यानी आज की कलेक्शन की, तो दोस्तों आज भी इस मूवी के कलेक्शन ज्यादा नहीं है एज अक्षय कुमार की मूवी के हिसाब से। रिपोर्ट के जानकारी के मुताबिक मूवी खेल खेल में अपने तीसरे दिन पे यानी आज जो नेट कमाई करने लगा है
वो भी तकरीबन पूरे 3 करोड़ का ही। और इसी के साथ मूवी खेल खेल में इस मूवी के 3 दिनों का टोटल नेट कलेक्शन होते हैं पूरे 10 करोड़ 80 लाख रुपए, जबकि 3 दिनों का टोटल इंडिया पे डोमेस्टिक ग्रोस कलेक्शन होते हैं पूरे 15 करोड़ का। और इन 3 दिनों में ओवरसीज कलेक्शन आया है पूरे 7 यानी 7 करोड़ का। यानी अक्षय कुमार स्टारर मूवी खेल खेल में इस मूवी ने 3 दिनों में टोटली जो वर्ल्ड वाइडली ग्रोस कलेक्शन कर लिया है पूरे 22 यानी 22 करोड़ का। तो यहाँ पे जॉन अब्राहम की मूवी बेदा और अक्षय कुमार की मूवी खेल खेल में जो कलेक्शन करने लगा है, अभी ये बता पाना मुश्किल है कि ये मूवी हिट होंगे या होंगे फ्लॉप। अगर कलेक्शन बेहतर हो आगे तो इस मूवी के हिट होंगे, वरना फ्लॉप होंगे ये दोनों मूवी। यहाँ पे स्त्री 2 15 अगस्त को जितने भी मूवी रिलीज हुआ है, स्त्री 2 सबसे ज्यादा सक्सेसफुल मूवी है। इवन 3 दिनों में ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर वाला बजट अपने नाम कर लिया है। अगर आपने स्त्री 2 देखे है तो बताइए एक्चुअली में स्त्री 2 आपको कैसा लगा, कॉमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियोस पे, टेक केयर, बाय दोस्तों।